हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। यहां पर हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने डिस्कस की थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। तो उसमें एक पॉइंट भी आया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है यहाँ पर आपका प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। यानी कि आप कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपको पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि जो दो पार्टीज़ होंगी उनके बीच प्रॉपर ऑफर एंड उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यानी कि एक पर्सन जो ऑफर दे रहा है वो प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट करे सेकंड पर्सन को, और जो उसकी एक्सेप्टेंस दे रहा है वो भी उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करे। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए दोनों पार्टी के बीच में। और कोई भी आप ऑफर या एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की यहाँ पे कंडीशन नहीं होना चाहिए, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस आपकी कम्युनिकेट होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस को ही हम यहाँ पर एग्रीमेंट के अंदर ट्रीट करते हैं, और ये हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पर जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बीच जो पार्टीज होती हैं उनकी इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर वो एक दूसरे के बीच एक लीगल रिलेशन वहाँ पर डेवलप करें, तो उनकी अंदर से एक इंटेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर उनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। जनरली यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई भी इंटेंशन क्रिएट नहीं होती है तो उसको हम सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट की कैटेगरी में हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो हमारा एक प्रॉपर कंसिडरेशन से सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी काम करवा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर जो भी सर्विस दी जा रही है या गुड्स दिया जा रहा है उसको उसमें एक मनी में उनको डिफाइन होना चाहिए, और उनके बीच में मनी का एक्सचेंज होना चाहिए, मनी का हो या फिर वो गुड्स का हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्राइस वहाँ पर ज़रूरी हो, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के बीच में सर्विस और अनदर गुड्स की भी बात होनी चाहिए। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने एग्री की कुछ बुक्स को वाई से परचेस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कंसिडरेशन जो एक्स का है बुक्स का वो क्या हो गया, एक्स ने कहा कि मैं ये बुक्स आपसे परचेस करूँगा $50 में, तो यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन क्या हो गया, $50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप किसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बीच में आप जो भी एक्सचेंज में उसको वैल्यू दे रहे हैं वो आपका कहलाता है एक लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका पॉइंट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो उसके बीच में जो भी पार्टीज एंटर होती हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपके एग्रीमेंट के रूल्स हैं वो उनको अच्छे से समझ पाएँ, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर माइनर नहीं होने चाहिए या फिर किसी भी तरह का, वो बिल्कुल एक मेजर पर्सन होना चाहिए जिससे कि वो आपकी जो भी कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ सके और उन पर खुद डिसीजन वो ले पाए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, आप कोई भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जो पार्टीज कैसी होनी चाहिए, उनके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कर पाए। ठीक है, अब इसको आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि साउंड माइंड का पर्सन हो, और ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि डिस्क्वालिफाइड हो लॉ के द्वारा। ठीक है,
या फिर माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी कि वो उस कंडीशन को समझ पाया। एक माइनर में वो चीज़ नहीं होती कि आप जो भी उसमें कंडीशंस लिख रहे हैं, कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह है जो भी रूल्स आप बना रहे हैं या जो भी आपने उसमें पॉइंट्स नोट किए हैं कि आपके जो बीच का कॉन्टैक्ट है वो इन इन कंडीशन पर होना चाहिए, तो वो उनको समझ पाए, ठीक है। फिर है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का, और एक ऐसा पर्सन भी नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरीके से लॉ ने उसको किसी भी तरीके से मना कर दिया हो कि वो अब कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर है आ जाता है हम आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ पर यह है, देखिए सबसे पहले तो ये सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है, दो और दो से ज़्यादा पर्सन की कंसेंट हो सकती है किसी भी चीज़ सेम चीज़ को लेकर। लेकिन फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि क्वाइटजन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये सारी चीज़ें फ्री कंसेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। क्वाइटजन का मतलब ये है कि फिजिकली और मेंटल हरास करके उससे एक्सेप्टेंस ना ली जाए, ठीक है। यानी कि अगर वो एक्सेप्टेंस ले रहा है तो अपनी मर्जी से ले, क्वाइटजन में आके नहीं, आपने उसको हरास किया फिजिकली या मेंटली और तब आपने उससे वो कॉन्टेक्ट करवाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने उसको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला कि वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आपने यहाँ पर यह है कि आपने उसको इंटेंशनली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जिससे उसको लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है और उसने आपके संग वो एग्रीमेंट करने के लिए वो तैयार हुआ, तो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी पार्टीज किसी भी तरह का एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बीच में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए। फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उस एग्रीमेंट को आगे करना चाहता है या नहीं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है या नहीं, ठीक है। इसको फिर आता है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की विदाउट हैविंग नॉलेज दैट इट इज़ रॉन्ग। यानी कि पहले क्या था फ्रॉड में कि आपकी इंटेंशन ही ये थी कि आपने उसको गलत चीज़ें बताई, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आपको खुद नहीं पता था और आपने उसको वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी, यानी कि आप भी नहीं जानते थे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेंशन थी उसको रॉन्ग चीज़ें प्रोवाइड कराना, लेकिन आपको भी नहीं पता था और आपने उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये कहलाता है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब यहाँ पर ये है कि मिसकंसेप्शन हो गया किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर, मैटर ऑफ लॉ को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है या कॉन्टेक्ट का जो डिज़ाइन है वो लॉफुल होना चाहिए। कोई भी आपका फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडलैंड, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉलिड वॉइड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वॉइड, जो कि हमारे सेक्शन 24 से 30 के बीच में स्पेसिफाई किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हैं वॉइड, ठीक है। जैसे कि किसी को शादी करने के लिए, शादी ना करने के लिए आपने कहा कि मैं आप उससे शादी मत करो और मैं आपको इतने अमाउंट दूंगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये वॉइड डिक्लेयर किया गया है इस तरह के एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करना किसी ट्रेड को लेकर, ठीक है, रिस्ट्रेन करना मैरिज को लेकर या फिर एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, तो ये सारी चीज़ें आपकी वॉइड कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। फिर आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी एग्रीमेंट के जो वर्ड हैं, यानी कि जो भी आप एग्रीमेंट में जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उसमें जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए और इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि उसके दो मीनिंग निकलें। तो ऐसा ना हो कि आपने कोई भी चीज़ वहाँ पे मेंशन की है किसी और मीनिंग के साथ, लेकिन अदर पार्टी जो है, जो सेकंड पार्टी है, उसने उसको समझा है किसी और मीनिंग से। तो कोई भी वर्ड आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है अपने एग्रीमेंट के अंदर। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं
एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एग्री किया कि वो 500 टन ऑफ ऑयल सेल करेंगे मिस्टर वाई को, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया कि वो जो ऑयल सेल करेंगे वो कौन सा ऑयल सेल करेंगे, जो कि मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हो गई, यहाँ पर जो आपका स्टे एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो ये ट्रीट तो किया जाएगा एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, लेकिन यहाँ पर आपने उसको तो डिफाइन ही नहीं किया कि भाई आप जो भी सेल करना चाहते हो वो किस तरह का ऑयल है। हो सकता है कि आप दो तरह के ऑयल में डील करते हैं और आप किसी पर्टिकुलर एक ऑयल के लिए उसके साथ सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो 1% जो है वो दूसरे ऑयल आपसे परचेस करना चाह रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जरूर याद आपको ध्यान में रखनी है कॉन्ट्रैक्ट करते समय। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करें तो ये हमारा 56 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। इसमें ये आता है कि आपको कोई भी ऐसा एक्ट नहीं इन्वॉल्व करना है जो कि इम्पॉसिबल हो परफॉर्मेंस करने में फिजिकली और लीगली। कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सबल बाय लॉ ना हो, इट यहाँ पर आपने जो भी परफॉर्मेंस इंक्लूड करेंगे वो उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। एंड पॉसिबल जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आपने किसी पर्सन से कहा कि आपको इतनी फीट की, जैसे कि आपको 1 घंटे में 1000 किलोमीटर रन करना है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे आ गया कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है कि एक पर्सन 1000 किलोमीटर 1 घंटे में रन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपका वैलिड एग्रीमेंट में कंसिडर नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटी देखिए, कोई भी एक्ट का मतलब यहाँ पर ये, जब भी आप किसी भी के भी साथ कोई भी जर्नल आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको हमेशा रिटिन में रखें। क्योंकि देखिए, अगर वैसे तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए अगर आपने किसी के संग कोई भी एग्रीमेंट ओरली किया, ठीक है, ओरली वैलिड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है तो आप लॉ के पास जाके, आप कोर्ट में जाके क्या वहाँ पे प्रूफ दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लॉ जो है वहाँ पर आपको हर चीज़ें रिटेन में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे लॉ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक हो जाता है और वहाँ पे ये कहा जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें रिटेन में लिखनी चाहिए थी, सारी मेंशन रिटेन में होनी चाहिए थी, जिससे कि सारी चीज़ें पता चलती। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो प्रॉपर तरीके से सही ना हो और जो कोर्ट है वो आप पे भी ट्रस्ट क्यों करेगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी हैं, और ये ज़्यादातर ये चीज़ें जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो वो हमारा मस्ट बी रिटन होनी चाहिए और शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट 1882, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की गई हैं। तो आई होप यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ज़रूरी हैं वो आपको सारे यहाँ पर 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए अभी भी तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ऐसे क्या डिफरेंस हैं जो कि एक वॉइड एग्रीमेंट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से अलग करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले हम बेसिस ले लेते हैं लीगलिटी। देखिए, वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, हैंस कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय ईदर पार्टी। यानी कि जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा और कोई भी लीगल इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्फोर्सेबल किसी एक पार्टी की तरफ से हो सकते हैं,
एट हुज ऑप्शन इट इज वॉइडेबल, यानी कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्टिंग में हम हो सकता है कि वो वैलिड थे लेकिन आगे जाके वो यहाँ पे वॉइड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक पार्टी के बिहाफ पर वो वैलिड हो, दूसरे पार्टी के बिहाफ पर वो वैलिड ना हो, ठीक है। फिर आता है इनफोर्सबिलिटी, एक वॉइड एग्रीमेंट जो होता है अनफोर्सिबल होता है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग से ही वो अनफोर्सिबल होता है। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अनफोर्सिबल होगा केवल वेन द पार्टी एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल डिस्क्लाइंस इट, यानी कि जो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अनफोर्सिबल केवल तब होगा जब उसकी जो कोई भी पार्टी है वो वॉइडेबल बता दे, इसको कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले वो वैलिड था बाद में हुआ है, जबकि ये तो स्टार्टिंग से ही हमारा अनफोर्सिबल है, और वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, स्टार्टिंग से इनफोर्सिबल था लेकिन अब वो अनइनफोर्सिबल है, ठीक है। फिर आता है कॉम्पेंसेशन, द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पेंसेशन इन द इवेंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट अराइज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन का तो कोई यहाँ पर कॉम्पेंसेशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही क्या है, वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हो सकता है क्योंकि शुरू में तो ये हमारा वैलिड था बाद में तो वॉइड हुआ है, तो ये हो सकता है कि एक पर्सन ने अपनी तरफ से कोई भी सर्विस ले ली हो, ठीक है, या उसने अपनी तरफ से कोई भी बेनिफिट ले लिया हो, तो वहाँ पर अगर उसने किसी भी तरह का कोई भी सर्विस या कोई बेनिफिट लिया है तो वहाँ पर वो कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉम्पनसेशन हो सकता है हमारा, लेकिन यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस था हमारा एक वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।